नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे टोल को लेकर चल रही सियासी टेंशन की। राजस्थान में एक बार फिर से टोल का को लेकर नया सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। सूबे की कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर से स्टेट हाईवे पर टोल शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी फायदे के लिए स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को टोल मुक्त कर दिया था। बीजेपी ने ऐसा करने से पहले टोल संचालक कंपनियों के साथ की गई शर्तों का पालन करने के बारे में भी नहीं सोचा, लेकिन जनता ने फिर भी चुनाव में बीजेपी को नकार दिया। फैसले से नाराज आखिरकार टोल संचालक कोर्ट में चले गए। ठेकेदारों ने सड़कों की मरम्मत करना बंद कर दिया, जिससे कि सड़क हादसे बढ़ने लगे। ऐसे में मजबूरन मौजूदा सरकार के पास छूट वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर कोर्ट टोल संचालकों के पक्ष में फैसला दे देता तो सरकार पर बड़ा आर्थिक भार आ सकता था, क्योंकि अनुबंध की तमाम शर्तों को बीजेपी सरकार ने ताक पर जो रख दिया था। खुद सीएम ने कहा कि हमने छूट वापस लेने से कई पहलुओं पर विचार किया, यहां तक कि लीगल ओपिनियन लिया। ऐसे में राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की ओर से जनहित एवं राजकोष पर आने वाली बड़ी देनदारी को देखते हुए यह फैसला लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि तत्कालीन सरकार मेरिट के आधार पर फैसला करती तो हम नहीं हटाते। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये चुनाव का फैसला था, चुनावी फैसला था, चुनाव जीतने के लिए। ये कोई मेरिट पे फैसला, मेरिट पे फैसला नहीं था ये। अगर मेरिट पे फैसला होता तो शायद मैं ये काम नहीं करता। ये फैसला चुनाव जीतने के हथकंडे के रूप में था। जो प्राइवेट कारें हैं उनका टोल टैक्स माफ करने में तुक क्या था? अगर सरकारी खजाने का सिर्फ सवाल होता तो मैं फिर भी उसको टॉलरेट करता कि एक बार मानिए कर दिए तो कर दिए सरकार ने फैसला। परंतु ये सभी सड़कें जो है टोल टैक्स ठेके में दिए गए हैं 25 साल 20 साल 15 साल के लिए। अगर आप जो हमें लीगल ओपिनियन मिली है उसके आधार पर आने वाले वक्त में राजस्थान की सरकार के ऊपर बहुत बड़ा भार आएगा। लोग कोर्ट में आने लग गए हैं कि हमें जो ठेका दिया गया उसके अंदर ये कार्य सम्मिलित थी, आपने बगैर हमें पूछे हुए, और पूछ के भी क्या, ठेकों में शर्तें थी उसके आधार पर कनेक्शन होता, वो आपकी निर्णय से कनेक्शन कम हो गया। सरकार में दावे होंगे, दावे हो भी रहे हैं, उसके आधार पर आपको 500 करोड़ का 1000 करोड़ का भार 3 साल बाद में आए तो सरकार कैसे चुका सकती है उसको। जन आंदोलन और जनता की मांग को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐसे 52 के 52 स्टेट हाईवेज पे टोल को एग्जम्प्ट कर दिया था। उस निर्णय का स्वागत भी हुआ, बड़ा फैसला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सरकार ने जो क्राइसिस से जूझ रही है, वैट को बाद में दूसरा फैसला ऐसा है जिसपे एक असंगत तरीके से इसको इम्पोज करने की कोशिश हुई है। इससे पहले वैट का जो फैसला किया तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, हुआ उल्टा। राजस्थान में डीजल और पेट्रोल का बिक्री का वॉल्यूम कम होने से और वैट की आमद कम हो गई। ये कहा है इन्होंने कि 300 करोड़ रुपए की आय होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जनता की डिमांड के आगे 300 करोड़ मायने नहीं रखते। और मैं तो अभी भी सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें और राजस्थान की जनता को रिलीफ। तो कई सारे सवाल हैं, एक नजर उन सवालों पर भी डालते हैं। पहला सवाल ये, क्या बीजेपी ने चुनावी फायदा लेने के लिए स्टेट टोल समाप्त किया था? और इसके साथ ही क्या टोल से जनता को राहत देने के लिए कोई नीति अब बननी चाहिए? क्या जनता को टोल देने के अनुसार वैसी ही सड़कें मिल भी रही हैं या फिर नहीं, सिर्फ टोल चुका रही है जनता? क्या लोगों को टोल के बदले सड़कों पर मिलेगा सुगम सफर? ये बड़े सवाल बने हुए हैं। इन्हीं सवालों पर आज बड़ी बहस में अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे।
तो दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए जयपुर स्टूडियो से, सीधा परिचय उन खास मेहमानों से आपका मैं करा दूं। बीजेपी से नेता हैं सुरेश गर्ग। सुरेश गर्ग जी आपका स्वागत है बड़ी बहस में हमारे साथ शामिल होने के लिए। साथ ही कांग्रेस से विचारक हैं डॉक्टर वरुण पुरोहित। वरुण पुरोहित जी आपका भी स्वागत है हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। सुरेश गर्ग जी आप ही से सर शुरुआत कर रहा हूं बड़ी बहस की। आरोप लग रहे हैं कि चुनाव से पहले चुनाव में फायदा लेने के लिए बीजेपी ने फैसला लिया था और आप इसका विरोध कर रहे हैं। जो निर्णय लिया था वो हमने जनता के हित में लिया था। जनता की एक डिमांड थी कि स्टेट हाईवे पे जितने भी टोल है वो टोल फ्री किया जाए प्राइवेट व्हीकल्स के अंदर, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स और जनता की एक डिमांड थी। जनता की डिमांड को पूरा करने के लिए हमने वो किया था। और आप देखेंगे कि कांग्रेस सरकार जब से आई है जब से जनता को शोषण करने के लिए जनता को परेशान करने में ही लगी हुई है। जैसे ही सरकार आई है इन्होंने 4% वेट बढ़ा दिया था। 4% वेट बढ़ाने से यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े और आप एक चीज देखेंगे कि उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हुई है गवर्नमेंट को, उससे राजस्थान गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है। क्योंकि बॉर्डर पर जितने भी पेट्रोल पंप है उनकी सेल 50% डाउन हो चुकी है और कई पेट्रोल पंप बंद के कगार में आ रहे, बेरोजगारी के उस पे चले गए हैं। क्योंकि आप राजस्थान बॉर्डर के दूसरे जितने भी स्टेट है उनके पेट्रोल और डीजल की रेट जो राजस्थान की जो रेट है उससे बहुत कम है। तो जनता जो है वो जनता को त्रस्त करने के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो कांग्रेस सरकार ले रही है। इसी तरीके से इन्होंने बजट में स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई थी। स्टाम्प ड्यूटी पहले 0.15% हुआ करती थी लोन के ऊपर, उसको बढ़ा के उन्होंने 0.25% कर दी। उससे जनता पर अतिरिक्त भार, क्योंकि उस पर वेंडर कमीशन लेता है। जबकि अगर आप पहले ई टेंडरिंग की व्यवस्था थी, ई टेंडरिंग जो है ई स्टाम्पिंग होती थी, ई स्टाम्पिंग की व्यवस्था राजस्थान गवर्नमेंट ने बंद कर दी। तो जनता के खिलाफ जो भी निर्णय है उसके हम खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है। हम इसके लिए धरना प्रदर्शन हर जिले पे कर रहे हैं। आज हमने प्रत्येक जिले पे कलेक्टर को हमने हमारा ज्ञापन दिया है कि जो आपने टोल बढ़ाया है प्राइवेट व्हीकल के ऊपर टोल लागू किया उसको फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया था और इसलिए बिल्कुल जनता के हित में, जनता के हित में फैसला लिया गया था। जनता की एक डिमांड थी कि भाई आप हम कोई चुनाव भी फायदा नहीं है। जनता की डिमांड थी कि भाई स्टेट हाईवे पे जितने भी टोल हैं जो 51-52 टोल है उन सब टोलों पे आप प्राइवेट व्हीकल जितने भी है उसके टोल माफ कर दिया जाए। तो उस डिमांड को देखते हुए पिछली जो हमारी वसुंधरा सरकार थी उसमें हमने उसको टोल माफी की थी। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में यह पता नहीं चल रहा कि डिसीजन क्या लेना है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा नगर निगम के चुनाव के लिए 6 बार इन्होंने अपने डिसीजन चेंज किए थे। पहले ये कहा था कि साहब हम मेयर का चुनाव डायरेक्ट करेंगे, जब विरोध हुआ तो बोले कि नहीं साहब हम पार्षदों के द्वारा मेयर का चुनाव करेंगे। फिर तीसरी बार इन्होंने बोला कि साहब हम मेयर के चुनाव पार्षदों से भी कर सकते हैं, बाहर से भी दो सकते हैं। सुरेश जी आएंगे। ठीक है सर, सरकार जो है इनका अभी स्थायित्व तो नहीं है कि क्या करना है। ठीक है सर, इधर उधर नाम अच्छे से बेटर सर इसी टॉपिक पे आज चर्चा करते हैं। क्योंकि निकाय चुनाव पर कई बार हम डिबेट कर भी चुके हैं, आने वाले समय में करेंगे भी, निकाय चुनाव हो भी रहे हैं। लेकिन फिलहाल वरुण जी किस तरीके से अब जनता को समझाएगी सरकार कि आखिर टोल दोबारा से वसूला जा रहा है, उनके ऊपर भार पड़ रहा है, कैसे उसको वहन करें और क्या सुविधाएं उनको मिल रही हैं इस टोल को देने के बाद? पराग जी आपका धन्यवाद। सबसे पहले आपने बीजेपी प्रवक्ता को याद दिलाया कि टॉपिक से नहीं भटकना चाहिए। जब भी किसी डिबेट में आते हैं मुख्य टॉपिक को छोड़ के इधर उधर की बात करने लग जाते हैं। अभी ये स्टेट टोल्स की बात कर रहे हैं तो नेशनल हाईवे टोल्स पे क्यों नहीं टोल हटवा रहे? जनता की वो मांग नहीं है क्या? 500 रुपए का टोल लग जाता है जयपुर दिल्ली आने जाने में, वो इतना भारी टोल लगता है उसकी तो इनको ध्यान नहीं आ रहा। फिर आप बीच में बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोला आपके बीच में। आप जो है उसको क्यों नहीं, वो जनता की मांग नहीं है? आप देखिए तीसरी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनने के बाद में ये परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनके पास लीडरशिप क्राइसिस है। मैं हर बार कहता हूं ये बात, इनके पास लीडर ही नहीं है स्टेट के अंदर। और चुनाव से पहले क्यों हटाए भाई टोल? हटाना तो जनता की मांग क्या 58वें महीने में आती है क्या? पहले 2 साल पहले हटा लेते, टोल ही हटाना था तो। और छोटा सा मीगर अमाउंट है जो गाड़ियां चला रहा है, 10-10 लाख 20-20 लाख के लोन लेकर के किस्तें चुका रहा है, उसके लिए 50 रुपए टोल क्या जरूरी है? असली जरूरी है दवाई,
तो हमारे औषधि देखो आप अशोक गहलोत जी की नीति, उत्तर प्रदेश इनकी सरकार है, योगी जी की, उत्तर प्रदेश से सारे पेशेंट SMS में आते हैं। कितनी आदमी को जरूरत होती है रोटी रोजगार की, इन्होंने बात की रोजगार की, पेट्रोल पंप बंद होने से कितना सा रोजगार, रोजगार तो बीजेपी ने समाप्त किया देश का। ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इनको अभी आत्मा पे हाथ रख के बोले जब बात है। आप देखो ये जो बीजेपी करती है जनता के साथ लव सेक्स और धोखा करती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लव सेक्स और धोखा। जनता को बोले 2 करोड़ रोजगार, 5 साल में अब तक 10 करोड़ रोजगार हो जाते, तो क्या रोजगार की कमी रहती क्या देश में? और ये जनहित का फैसला, एक एक फैसला, अगर इनके कर्म अच्छे होते तो अशोक गहलोत तीसरी बार कैसे मुख्यमंत्री बनते? इनके कर्म ही सही नहीं थे, जब जनता ने वापस कांग्रेस को चुना, अशोक गहलोत को वापस बनाया चीफ मिनिस्टर। और अशोक गहलोत आज भी जनता के बीच में रहने वाले मनुष्य हैं। कांग्रेस का आज भाग्यशाली कांग्रेस है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट लीडर। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वरुण जी, वरुण जी, जनता जनता कैसे समझेगी, जनता कैसे समझेगी? कैसे चुकी सर, कई बार ऐसी शिकायतें भी सामने आई चूंकि बीजेपी ने, सर सवाल सुन लीजिए सर, वरुण जी सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। बीजेपी ने जब टोल हटाया तो टोल जो संचालक थे नाराज हो गए, कोर्ट चल गए, उसके बाद ठेका जो ठेकेदार थे उन्होंने सड़क का निर्माण बंद कर दिया, और उसके बाद तमाम हादसे भी लगातार सामने आए हैं। तो उसको लेकर जनता को कैसे समझाएगी सरकार, क्योंकि जब जनता पे कर रही है तो फिर उसको सुगम सफर भी मिलना चाहिए। पराग जी, इसकी जड़ में हमको जाना पड़ेगा। 30 साल से आर्थिक सुधार जब से आए, पूंजीवादी व्यवस्था देश में लागू हुई, पहले तो सड़कें जो है मेंटेन करती थी PWD CPWD, जब से प्राइवेटाइजेशन आया ये टोलों को ठेके दे दिए। अब उस टोल की जो अगर आप किसी कंपनी से शर्तें कर लेते हो, अनुबंध करते हो, एग्रीमेंट करते हो, तो आप उसका बीच में कैसे तोड़ सकते हो? चाहे मैं इनकी जैसे नहीं करता हूँ, कांग्रेस बीजेपी आज अपन किसी से एग्रीमेंट करते हो उसको बीच में कैसे तोड़ सकते हैं? और ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की मैं कह रहा हूँ सूझबूझ है, कोर्ट का ऑर्डर पेनल्टी का आता है, कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार को भरना पड़ता पेनल्टी, उससे पहले अगर सरकार ने फैसला ले लिया। एक बात आप और सोचिए, भाई निकायों के चुनाव सर पर है, कोई मूर्ख होगा क्या लगाएगा टोल चुनाव हारने के लिए? ये तो कांग्रेस का जीवट है, मुख्यमंत्री के अंदर सीने में जोर है, जब ये लगाया कि भाई नहीं जनता के लिए फैसला है अच्छा करना है, सड़कें मजबूत होंगी, एक्सीडेंट कम होंगे, जब भी तो जनता सब समझती है, आजकल जनता में जागृति है, आपके 100 चैनल 200 चैनल जनता देखती है, जनता जो कार चलाती है वो समझती है कि सड़कें खड्डे भरेंगे कैसे अगर टोल नहीं देंगे तो। सड़कों, अब मैं दिल्ली जाता हूँ, आप भी जाते हो आते जाते हैं, वहां अगर टोल नहीं देंगे तो बड़े बड़े सड़कें खड्डे हो जाएंगे। आम जनता को टोल से कोई नुकसान नहीं है, आम जनता तो अपनी रोटी रोजगार में भटक रही है, आम जनता नहीं कार से चल रही है। ये तो इतना बढ़िया, इसको अगर हम अगर राजनीतिक फैसला करते तो 15-16 तारीख को वोट करने के बाद कर लेते, जनता के हित में फैसला लिया, कोई कठोर निर्णय नहीं है, कोई 200-300 करोड़ का मामला कोई बड़ा थोड़ी है। अशोक गहलोत की प्रशंसा करनी चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठ के उन्होंने आज ये जनता के हित में जनता का फैसला, जनता तो परेशान खट्टों से, जनता को टोल से 50 रुपए देने से थोड़ी परेशान है जनता, जो आप कह रहे हो ये, मैं भी कार चलाता हूँ और मैं तो 1984 से चला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कार रोड अच्छी चाहिए तो आपको टोल देना पड़ेगा, अगर 10 लाख की गाड़ी में चला रहा हूँ, 70-80 रुपए का पेट्रोल चला रहा हूँ, 50 रुपए देने मुझे कहाँ आपत्ति आएगी? ये तो प्रशंसा करनी चाहिए अशोक गहलोत जी की कि राजनीति से ऊपर उठ करके उन्होंने चुनाव से पहले भी यह निर्णय ले लिया। ठीक है सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, देखिए सवाल यही हो रहा है कि अगर जनता से कोई नहीं दिया जाएगा तो जो बाहर सरकार के ऊपर आ रहा है, जो बाहर सरकार के ऊपर आ रहा उसका कैसे वहन होगा, कैसे उसका वहन होगा और कैसे इसकी भरपाई कर पाएगी सरकार? सुरेश जी, पराग जी ये कह रहे हैं ना जनता को धोखा, इन्होंने जनता को धोखा देके ही सरकार बनाई है, क्योंकि जब इनके जब इलेक्शन थे तब इनके जो लीडर है वो ये यहाँ आके बोल के गए थे कि साहब हम 10 दिन में किसानों का ऋण माफ कर देंगे। आप आज 10 महीने हो गए किसानों के ऋण माफ नहीं हुए हैं, कि जितने भी किसान लोग हैं उनका हम ऋण माफ कर देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है। सुरेश जी, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर, 45,000 वैकेंसी कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ी है जिनका कोई सरोकार नहीं है, तो ये
ये खुद उलझे हुए हैं कि इनको क्या करना है, और जनता का विश्वास कि जनता ने मैंडेट हमें दिया है, लोकसभा के अंदर हम जीत के आए हैं, 303 286 से 303 सीटें लेके आई है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जनता हमारे साथ नहीं है, जनता हमारे साथ है। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि निकाय चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? किसके साथ है क्या ये मान रहे हैं निकाय चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? कोई फैसला नहीं है, जनता के खिलाफ फैसला है। डेफिनेटली हम तो जनता के सामने जाएंगे कि हमने जनता के सुख में जनता के लिए फैसला लिया था, टोल फ्री किया था, जनता के सामने जाएंगे कि भाई हमने टोल फ्री किया है। अब आप देखिए कि कहां जरूरत आ गई इसको टोल लगाने की, जब आप सड़कों का है, हमारी जब सरकार थी 64,000 किलोमीटर की सड़कें हमने अच्छी तरह बनाई थी, तो कहां जरूरत आ गई थी टोल लगाने की? जहां तक नेशनल हाईवे के टोल है, नेशनल हाईवे के टोल पे अगर आप देखेंगे हर टोल के बाहर सुविधाएं हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं, जबकि आज स्टेट हाईवे के किसी भी नाके के अंदर टोल पे चले जाओगे तो कोई सुविधा नहीं है, तो सुविधा भी तो देनी पड़ेगी ना। सरकार तो बीजेपी की तब नहीं सोचा ये कि जो इन्होंने लगाया है, बीजेपी की सरकार थी तब सरकार ने नहीं सोचा कि वहां पर भी सड़कों पे जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आपने जो टोल लगाया इसको वापस ले, नहीं तो हमने वापस ले लिया ना टोल। टोल जो लगाया था हमने प्राइवेट वालों प्राइवेट व्हीकल्स पे टोल वापस ले लिया, जब हमें लगा जनता की डिमांड है कि जनता को परेशानी हो रही है, हमने वो टोल वापस ले लिया। ठीक है वरुण जी, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो टोल लगाया है ये जनता के खिलाफ है, आपको इसको वापस लेना चाहिए। ठीक है वरुण जी, इससे कोई फायदा नहीं है, 300 करोड़ रुपए टोल वापस भी ले लेती है, मरम्मत है, तो क्या असर होगा सर? आपसे मैं समझना चाह रहा हूं क्या असर होगा इसका, अगर टोल वापस लिया जाता है तो असर क्या होगा सरकार के ऊपर, क्या प्रभाव पड़ेगा वरुण जी? देख पराग जी, वापस लेने का तो मेरे को नहीं लगता वापस लेगी, नहीं तो हाईकोर्ट और कोर्ट्स ऑर्डर दे देंगी, फिर क्या करोगे आप? सरकार के पास कोई ऑल्टरनेट थोड़ी है, जुडिशरी में चले जाएंगे वो लोग जिनसे आपने अनुबंध किया है, और ये बात कर रहे सुविधा 64,000 का ढोल पीट रहे, 64,000 किलोमीटर बनाई, तो 5 साल इनकी सरकार थी, 5 टॉयलेट तो बनाते उसके सरकार के, उसके ऊपर आखिरी के महीने में हमने हटा लिया टोल, पहले तो जनता का टोल ले लिया और फिर हटा दिया, अब कह रहे साहब सुविधा नहीं, 6 महीने सरकार को ही नहीं, इन्होंने इतनी अव्यवस्था छोड़ी है सरकार के अंदर, उसको मैनेज करने में 2-4 महीने, सरकार ने जनता ने 60 महीने के लिए वोट दिया है, 6 महीने के लिए नहीं दिया है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, आपको मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी 100% नगर निकायों में बहुत अच्छा कमबैक करेगी, इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी जो अभी तक नहीं किया है, इनके पास तो लीडरशिप क्राइसिस है, उसी से ये परेशान है। आपके तो पता ही नहीं है लीडर, हमारे तो लीडर है अशोक गहलोत का नाम आप दिन में 10 बार जपते हो, राहुल गांधी का पता ही नहीं चलता, बिना बोले कि विदेश चले जाते हैं, आए हर 15 दिन के अंदर विदेश चले जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कि कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, आप देश को बता के तो जाए ना कि मैं विदेश जा रहा हूँ, क्या क्या करते हो नहीं आ रहा, आपके माँ बेटों में ये पता नहीं चलता, बाप बेटों में आपके उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अंदर झगड़ा चल रहा है, उप मुख्यमंत्री बोलते तो पराग जी ये लोग डेमोक्रेसी तो समझते ही नहीं चल रहा कि कांग्रेस में हो क्या रहा है, ये क्या है, लोकतंत्र को बिल्कुल नहीं समझते हैं, लीडरशिप की क्राइसिस तो पढ़े लिखे आदमी बीजेपी ऑफिस से आए हैं और बीच में चिल्ला रहे हैं, बहुत अच्छा आप देख लो इनके क्या मैनेजमेंट है, क्या मैनर्स इनको सिखाते हैं जी, और साथ-साथ का जो मैनेजर है उसके सामने सब बीच में बोलो अल्लाह मचाओ दूसरे की मत सुनो, ये इनके मैनर्स है, आप इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला, मैं चाह रहा हूँ कि आप बीच में बताओ कि राहुल गांधी जी कहाँ है, राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं बता के जाते हैं कि देश को जाएंगे भाई, देश को पता तो रहना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे हैं। पराग जी मैं तो कभी बीच में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, आपने देखा होगा, पर इनके प्रवक्ताओं को तो सिखा के ये भेजते बीच में बोलो चिल्लाओ हल्ला मचाओ, मैं तो नहीं करता हूँ ऐसे, इनके लीडरशिप क्राइसिस है, इनको मानना चाहिए कि राजस्थान में इनकी पार्टी बिल्कुल डूब चुकी है, और कांग्रेस पार्टी जो है, मैं दूसरे स्टेट में मान लेता हूँ भाई कांग्रेस डूब चुकी है तो नहीं मानेंगे बीजेपी के लिए, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि हम स्टेट्समैनशिप रखते हैं, हम डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारे झगड़ा कोई नहीं होता है, ये लोग नहीं समझते डेमोक्रेसी, घर में 4 जने होंगे बाप बेटा एक दूसरे से बहस कर रहे हैं तो वो क्या लोकतंत्र नहीं है, ये सब इन्हें नहीं समझेंगे। हमारे यहाँ पे अशोक गहलोत सचिन पायलट में फिर कह रहा हूँ एनर्जेटिक लीडरशिप है, इसलिए घबरा चुके हैं, इनको वसुंधरा जी को वापस लाना चाहिए नहीं तो इनकी पार्टी डूब जाएगी, और हनुमान बेनीवाल के कदम बोसी क्यों करते हैं अगर इनके पास लीडरशिप की प्रॉब्लम नहीं है तो, आप मुझे बताइए ये, लेकिन ये इश्यू सब अलग है, निकाय चुनाव में मैं बता रहा हूँ टोल के हमारे कोई निर्णय का फर्क नहीं पड़ेगा, जनता अशोक गहलोत पे विश्वास करती है, इसलिए तिवारी तीसरी बार मुख्यमंत्री है,
और इनके कर्मों का फल ये खुद भोग रहे हैं। जब भी 100 सीटें कांग्रेस की आई, हम हमारे कर्मों का फल भोग रहे हैं। 150 सीट आनी चाहिए थी, नहीं आई। मैं खुद कहता हूं इनकी हिम्मत थोड़ी ऐसे बोलने की, अगर सही टिकटें दी होती तो हमारी 150 सीट आती। लेकिन ये इनके कर्मों का फल है कि आज अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री है। अगर ये फिर पार्टी को नहीं सुधारेंगे तो हो सकता है 4 साल बाद, अभी भविष्य की बात है, चौथी बार बने। इनको तो ये सोचना चाहिए मोदी के बाद कौन, हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव के बाद। ठीक है, जनता त्रस्त हो चुकी, भूखमरी हो गई, रोटी रोजी का सड़क पे संकट हो चुका है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सुरेश जी, देखिए देखिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो हर डिबेट में लगते हैं, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा, चूंकि सरकार की ओर से तर्क ये दिया जा रहा है, जो देनदारी बन रही थी राजकोष के ऊपर, जो सरकार के ऊपर भार बढ़ रहा था लगातार आर्थिक, उसको कम करने के लिए ये टोल लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर सरकार का ये फैसला है तो किस तरीके से गलत है, आपसे ये मैं समझना चाह रहा हूं। पराग जी देखिए, इस 300 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए पर मंथ, 1 करोड़ रुपए पर डे के कलेक्शन से कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि इस पे है, लेकिन एक आम आदमी के ऊपर भार बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि एक आदमी स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे की बात अलग है, स्टेट हाईवे के अंदर हर 50 किलोमीटर पे एक टोल है, तो उसको अगर उसके कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो उसको टोल देना पड़ेगा, जो कि जनता के लिए एक भार है। आप ये देखिए, रोड टैक्स इन्होंने ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज्यादा ले रखा है, तो आप अगर मान लो जनता के भार को कम करना है तो रोड टैक्स को कम कर दो, अगर टोल ही आपको लेना है तो। दूसरा आप एक चीज देखेंगे कि इससे, क्योंकि आपने जैसे वेट बढ़ाया था, आप देखिए कि वेट बढ़ाने से गवर्नमेंट की रेवेन्यू में कोई फायदा नहीं हुआ, 4% वेट बढ़ाने से उससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू को नुकसान हुआ है। क्योंकि जो आपके राजस्थान बॉर्डर पे जितने भी स्टेट है उनकी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो अपने राजस्थान में प्राइसेस है उससे कम है, तो लोग बाग अगर उसकी बॉर्डर पे है तो वो दूसरे स्टेट में जाके वो परचेज करते तो अपनी जो सेल है वो डाउन हो गई और वहां के पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पे आ गए हैं। तो आपके इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, इससे जनता को नुकसान ही है, जनता को एक तरीके से परेशान करने का फैसला है। और रही बात इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में तो रोज डेली झगड़ा चलता रहता है, जब देखो तब उप मुख्यमंत्री जी आपके सचिन पायलट जी क्या स्टेटमेंट देते हैं, मुख्यमंत्री जी क्या स्टेटमेंट देते हैं, पता नहीं चलता कि कब कौन सा स्टेटमेंट वापस ले लेते हैं। ये चीज तो आपने खुद ने देखा होगा कि नगर निगम के 6 डिसीजन इन्होंने बार बार चेंज किए हैं। इसका मतलब तो ये है ना कि इन दोनों में सामंजस्य का अभाव है। हमारे यहाँ लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है पूरे। आपने अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, अगर लीडरशिप का अभाव होता तो लोकसभा में 25 की 25 सीटें नहीं आती, लेकिन हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनकी लीडरशिप कमजोर है। इस वजह से ये बार बार कहते थे कि साहब बीजेपी की लीडरशिप कमजोर है। कहां से कमजोर है, अगर कमजोर होती तो हमारी 25 की 25 सीटें कैसे आ जाती। तो अब मेरा टोल के बाद टोल पे जो मुद्दा है, टोल पे मेरा यही कहना है कि टोल पे जो आप टोल जो लगाया है प्राइवेट व्हीकल्स पे उसको वापस लेना चाहिए। जनता को आप परेशान करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको इसको टोल वापस लेना चाहिए। ठीक है वरुण जी, देखिए मेरा सवाल आपसे अब यह है कि क्या जनता को टोल से मुक्ति दिलाने के लिए कोई नीति बननी चाहिए, या फिर जनता टोल देती रहेगी, या फिर कोई ऐसी नीति पर सरकार काम कर रही है कि कोई ऐसी नीति बने ताकि जनता को भी टोल से राहत मिले और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी कोई बोझ आर्थिक तौर पर ना पड़े। देखिए पराग जी, अब देश में जो आप कह रहे हो ये टोल हटाना, ये हटाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, पूंजीवादी व्यवस्था की ओर देश पिछले 30 साल से अग्रसर हो चुका है, तो हम इसको हमको आत्मसात करना पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर क्या है, कांग्रेस के प्राण में समाजवाद है, सोशलिज्म है, इसलिए कांग्रेस की जब सरकार आती है तो इकोनॉमिक बैलेंस करने का पूरा प्रयास करती है। मैं पूंजीवाद का हमेशा विरोधी रहा हूं, चाहे कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का, मेरे को पूंजीवादी समर्थक में कतई नहीं रहा हूं। लेकिन अशोक गहलोत जी क्योंकि खुद समाजवादी नीतियों के परिचायक हैं, उसी राजनीति से डेवलप हुए हैं, तो उन्होंने बेहतर समझा, हजारों करोड़ की दवाइयां जनता को फ्री मिले आज की तारीख में, इतना बड़ा फॉर्मूला। अगर ये अभी इन्होंने मित्र ने हमारे बोला बॉर्डर पे पेट्रोल पंप, आप बताइए उत्तर प्रदेश की इनकी सरकारें, हरियाणा की इनकी सरकारें राजस्थान में इलाज कराने क्यों आते हैं भाई लोग। ये फ्री दवाई देना सबसे अहम है, बजाय 1-2 रुपए का टोल टैक्स दे देने का। 300 करोड़ से आम जनता को कोई नुकसान नहीं है, ग्रामीण इलाके में कोई नुकसान नहीं है। जनता को चाहिए पानी, बिजली, रोटी, रोजगार, उस और फ्री इलाज।
आज की तारीख में आपको पता है लाखों रुपया बीमारी में खर्च होता है, 2 मिनट में आप टेस्ट कराने जाते हो 5-7 हजार रुपए खराब हो जाते हैं मिडिल क्लास की। तो इन्होंने पहले ही नोटबंदी और जीएसटी से कमर तोड़ दी, तो इस बात की अशोक गहलोत जी की तारीफ करनी चाहिए। हो सकता है वो गलत करें तो हम विरोध भी कर सकते हैं, हमारी डेमोक्रेसी है, लेकिन इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि चुनाव को न देखते हुए भी, हालांकि इसका कोई चुनाव पे असर नहीं है, कितने से लोग कार चलाते हैं, मैं तो खुद ही स्टूडियो भी पैदल आया हूं आपके सामने, इसी स्कीम बहुत कम लोग चलाते हैं, कार चलाने वाले आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, 50 रुपए टोल टैक्स उनके लिए भारी नहीं है। असली जरूरत है दवाइयों की, फ्री दवाइयों की जो जनता को दी है, रोटी रोजगार की हम व्यवस्था कर रहे हैं, इन्होंने जो कमर तोड़ी है इकोनॉमी की उसको व्यवस्थित करने के लिए। आपको मैं आज फिर बता रहा हूं, 1 साल के अंदर कांग्रेस और दूसरी पार्टियां कमबैक करेंगी, जनता इनकी लव सेक्स और धोखे की पिक्चर से परेशान हो चुकी है, जनता सब समझती है, जनता परेशान थी, अगर मान लो परेशान थी जब तो इनको 200-300 सीटें आई, ये अभी की सीटें रोते रहते हैं लोकसभा वो तो नहीं कहते 2 सीटों पे आ गए थे, इसका मतलब क्या राजीव गांधी इंदिरा गांधी मानो ये जोरदार नेता थे, ठीक है सर, मानना चाहिए, क्रिटिसाइज क्यों करते हैं नेहरू जी को इंदिरा गांधी को, ठीक है सर, समय का अभाव है, इसलिए आप दो मिनट में इजाजत चाहूंगा। वरुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल आज हम चर्चा कर रहे थे कि स्टेट टोल को जो बीजेपी सरकार ने हटा दिया था, गहलोत सरकार ने एक बार फिर से लगा दिया है, लेकिन आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि जनता के ऊपर ये बोझ है, मगर सरकार कह रही है कि आर्थिक तौर पर भार सरकार पर पड़ रहा है, इसलिए इसको हटाया गया है, इसलिए इसको लगा दिया गया दोबारा से। तो फिलहाल के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।